लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, किसानों की उत्पादन की लागत कम हो जाए और किसानों के उपज का बेहतर से बेहतर मूल्य मिल जाए, तो खेती को और किसान को समृद्ध बनाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने फ्लैट रेट पर जिस तरह से बिजली के बिल की व्यवस्था की, चुनाव आयोग ने, नियामक आयोग ने तो कहा था कि 8,000 रुपये प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष किसानों से बिजली का दर उन्होंने तय किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि नहीं, 8,000 रुपये सरकार किसान नहीं देगा, किसान तो 1,200 रुपये देगा, 1,400 रुपये देगा और बाकी जो है सरकार के खजाने से निकाल के किसानों की तरफ से बिजली कंपनी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। तो हमने उनको न सिर्फ निर्बाध बिजली दी, लगातार 10 घंटे सिंचाई के फीडर में बिजली दी जितनी उनको आवश्यकता थी, बल्कि उनको बहुत बड़ी सब्सिडी के साथ हमने कम से कम दर पर बिजली उनको उपलब्ध कराई, जिससे उनकी लागत मूल्य कम हुई। सिंचाई का क्षेत्रफल जिस तरीके से बढ़ा है, 7 लाख हेक्टेयर से 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के बाद किसानों को आसानी से नहरों के माध्यम से जो पानी मिला है, उसने हरित क्रांति लाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड, जो किसी ज़माने में पंजाब हरियाणा को मिला करता था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जी ने लगातार 5वीं बार पिछले वर्षों में लगातार यदि कृषि कर्मण अवार्ड बेहतर कृषि के क्षेत्र में परफॉर्मेंस करने के कारण किसी राज्य को दिया है, तो मध्य प्रदेश के राज्य को दिया है। इसको कौन नकार सकता है, इसको कौन झुठला सकता है। विकास गीत गा रहा, गली गली कमल हमें खिलाना है।